सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टार स्पोर्ट्स एंड फी। सो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज आप सबों के बीच में लेकर आ रहा हूँ एक ब्लॉकबस्टर फुटबॉल टूर्नामेंट का हैंडबिल। जी हाँ दोस्तों, सरिकला खरसवां क्षेत्र का एक लाजवाब फुटबॉल टूर्नामेंट है। जी हाँ, अगर बात करें दोस्तों इस टूर्नामेंट के बारे में, तो ये जो टूर्नामेंट होगी NVC तितिरविला पर। जी हाँ, क्या है इस टूर्नामेंट में पुरस्कार की राशि, साथ में टीमों की डिमांड के साथ साथ कब मुकाबला खेला जाएगा, ये टूर्नामेंट कब खेला जाएगा, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। साथ में दोस्तों, जैसे लीग का मुकाबला आज किसके किसके बीच होने वाला है, प्रीमियर डिवीजन और सुपर डिवीजन में, इसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए, वीडियो के आगे तक बने रहे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह से स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर आप तक जल्दी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बेहतरीन फुटबॉल टूर्नामेंट है लकटकिया फुटबॉल प्रतियोगिता ब्लॉकबस्टर फुटबॉल टूर्नामेंट में आप सभी को स्वागत कर रहा। प्रत्येक साल की भांति अगर बात करें दोस्तों, 47वां 3 दिवसीय विशाल फुटबॉल प्रतियोगिता NVC तितिरविला पर। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक साल की भांति इस साल भी 2024 में आप सभी को स्वागत कर रहा, सभी खेल प्रेमियों को। जी हाँ, अगर इस टूर्नामेंट की बात करें दोस्तों, ये जो टूर्नामेंट है प्रत्येक साल होती है, और NVC तितिरविला, जी हाँ, ये सरिकला खरसवां क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर पंचायत की बात करें, नोआ गांव है, प्रखंड सरिकला है, जिला सरिकला खरसवां झारखंड। जी हाँ दोस्तों, 47वां 3 दिवसीय एक बेहतरीन फुटबॉल प्रतियोगिता में आप सभी को स्वागत कर रहा। तो चलिए, अगर बात करें दोस्तों, ये जो 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता है कब कब खेला जाएगा, अगर तारीख की बात करें तो यहाँ पे 15, 16, 17 अगस्त को ये मुकाबला आप देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 15, 16, 17 अगस्त को ये मुकाबला आप देख पाएंगे, 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। और बात करें दोस्तों, इस टूर्नामेंट में टीमों की डिमांड कितनी है। जी हाँ, प्रवेश शुल्क की बात करें तो यहाँ पे प्रवेश शुल्क के तौर पर 4,200 रुपया रखा गया है। जी हाँ, प्रवेश शुल्क 4,200 रुपया मात्र। वहीं टीमों की डिमांड की बात करें तो यहाँ पे 64 टीम की डिमांड रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, टीमों की डिमांड 64 है, और यहाँ पर जो है काफ़ी जल्दी टीम कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार अगर आपको इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है तो जल्द से जल्द संपर्क कर लें NVC तितिरविला पर, और अपनी टीम को जितना जल्दी हो सके सुरक्षित कर लें, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आपको टीम ना मिले। तो इस प्रकार जो है, आप जितना जल्दी हो सके इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अपनी टीम को जल्द से जल्द सुरक्षित कर लें। तो चलिए, अगर बात करें दोस्तों इस टूर्नामेंट के बारे में नियम का, तो यहाँ पर 9 साइड का मुकाबला आप देख पाएंगे। वहीं समय सारणी की बात करें तो 10-10 यानी कि कुल मिलाकर 20 मिनट का मुकाबला यहां पर होगी। वहीं अगर पुरस्कार की बात करें तो यहां पर प्रथम पुरस्कार के तौर पर 1,00,000 रुपया नगद राशि दिया जाएगा। द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो यहां पर 70,000 रुपया दिया जाएगा, और तृतीय पुरस्कार की बात करें 35,000 रुपया, चतुर्थ पुरस्कार की बात करें 25,000 रुपया, और 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर 12,000 रुपये करके दिए जाएंगे। 64 टीम की डिमांड है, और पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पे लाजवाब 8 पुरस्कार दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, है ना एक कमाल का फुटबॉल टूर्नामेंट। तो चलिए, आप सबों का स्वागत रहेगा 47वां 3 दिवसीय विशाल फुटबॉल प्रतियोगिता NVC तितिरविला पर। तो चलिए, अगर बात करें दोस्तों अब जैसे लीग का, तो यहाँ पर आज का मैच अपडेट की बात करें, यानी कि तारीख की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर 26 जून है, और 26 जून को प्रीमियर डिवीजन का मुकाबला की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर झारखंड SC बनाम दलमा टाइगर के बीच होगी। JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 3:30 बजे से ये मुकाबला आप देख पाएंगे 26 जून। जी हाँ दोस्तों, आज का मुकाबला झारखंड SC बनाम दलमा टाइगर के बीच होगी प्रीमियर डिवीजन का। वहीं सुपर डिवीजन की बात करें तो 26 जून आज है, और आज का मुकाबला होगा अरुणा स्मृति क्लब बनाम आदिवासी ग्रीन स्पोर्टिंग क्लब। इस दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगी 3:30 बजे से गोपाल मैदान पर, ये मुकाबला आप देख पाएंगे।